नमस्कार, मैं हूं वैभव नाथ शर्मा और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल एस्ट्रो वास्तु रेमेडीज। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं गुप्त नवरात्रि के कुछ बहुत ही विशेष, बहुत ही प्रभावशाली टोटके। इस साल माघ मास की जो गुप्त नवरात्रि है साल 2024 की, वो 10 फरवरी से लेके 18 फरवरी तक रहने वाली है। तो गुप्त नवरात्रि का महत्व भी हमारे शास्त्रों में बहुत ज्यादा है। साधकों के लिए ये बहुत विशेष मानी जाती है और खासतौर पे जिनके जीवन में कुछ बहुत बड़ी समस्याएं चल रही हो, वो इस दौरान इस 8-9 दिनों का बहुत अच्छा लाभ ले सकते हैं। इस बार 8 दिन की है, तो आप जो है, आपको मैं कुछ उपाय बताता हूं, वो आप करें तो आपको बहुत अच्छा फायदा इसमें मिल सकता है। नवरात्रि में माता दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए तरह तरह के उपाय किए जाते हैं और गुप्त नवरात्रि में भी वैसे ही उपाय किए जाते हैं। माना जाता है कि गुप्त नवरात्रि में इन उपायों को करने से देवी दुर्गा की विशेष कृपा जातक को प्राप्त होती है। नवरात्रि में किए गए जो टोटके होते हैं, उनका प्रभाव जातक को बहुत जल्दी मिलता है। अगर आप किसी भी मनोकामना की सिद्धि के लिए कोई उपाय नवरात्रि में करें, गुप्त नवरात्रि में करें, तो आपको उसका प्रभाव माता की कृपा से बहुत जल्दी ही देखने को मिल जाता है। आपकी मनोकामना जल्दी ही पूरी हो सकती है। नवरात्रि में लौंग से किए जाने वाले कुछ बहुत लाभदायी उपाय हैं जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। इन उपायों को करके परिवार में सुख समृद्धि आती है। यहां एक बात मैं आपको और बता देना चाहता हूं कि चाहे वो गुप्त नवरात्रि के उपाय हो, चाहे वो सामान्य नवरात्रि के चैत्र या शारदीय नवरात्रि के उपाय हो, पूरे साल में नवरात्रि के उपाय, 4 नवरात्रि आती है, किसी में भी कोई भी उपाय कर सकते हैं। गुप्त नवरात्रि के उपाय सामान्य नवरात्रि में कर सकते हैं और सामान्य नवरात्रि के उपाय, हो सकता है आपने पिछली नवरात्रियों में कुछ उपाय ट्राई किए हो, तो आपको अगर उनसे लाभ मिला तो आप उन उपायों को गुप्त नवरात्रि में भी कर सकते हो। उसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। चारों नवरात्रियां सीधे सीधे माता की पूजा, साधना, आराधना से ही जुड़ी हुई है, तो देवी दुर्गा को प्रसन्न करने वाले कोई भी उपाय किसी भी नवरात्रि में बहुत आराम से, पूरे विश्वास और श्रद्धा के साथ करके लाभ लिया जा सकता है। अब हम लोग बात करेंगे लौंग के कुछ उपायों के बारे में। हम सभी जानते हैं कि माता दुर्गा की प्रिय वस्तुओं में लौंग सबसे ज्यादा प्रमुख है। नवरात्रि में लौंग के बिना माँ दुर्गा की पूजा का संपूर्ण फल जातक को प्राप्त नहीं होता है। ऐसी मान्यता है कि नवरात्रि में लौंग के कुछ अगर उपाय किए जाएं तो माँ दुर्गा अपने भक्तों से बहुत जल्दी ही प्रसन्न हो जाती हैं और धन समृद्धि में आपकी वो वृद्धि करती हैं, परिवार में सुख शांति को बढ़ाती हैं। नवरात्रि में माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए नवरात्रि के 9 दिनों तक रोजाना एक गुलाब के साथ माता दुर्गा को लौंग का एक जोड़ा, 2 साबुत लौंग जिसमें फूल ऊपर हो, वह समर्पित की जानी चाहिए, चढ़ाया जाना चाहिए। नवरात्रि में धन प्राप्ति के लिए लौंग का यह टोटका बहुत ही असरदार है। इसमें कुछ नहीं करना, एक गुलाब के फूल के साथ 2 साबुत लौंग आपको माता को निवेदित करना है, उनको समर्पित करना है। इस उपाय को करने से आपके घर में धन की बरकत बढ़ती है, आपका आत्मविश्वास बढ़ता है और परिवार में सकारात्मक ऊर्जा का, पॉजिटिव एनर्जी का संचार होता है। दूसरा उपाय यह कि राहु केतु के अशुभ प्रभाव से यदि आप परेशान हैं तो लौंग के टोटके आपके काम आ सकते हैं। इन टोटकों को करने से बुरा प्रभाव समाप्त होता है। नवरात्रि के दिनों में हर दिन लौंग का दान करना चाहिए। शिवलिंग पर लौंग समर्पित करने से घर में खुशहाली आती है। नवरात्रि में लौंग का एक टोटका करने से सारे बुरे प्रभाव समाप्त हो जाते हैं। घर में होने वाले कलह क्लेश से यदि आप परेशान हैं तो पीले कपड़े में लौंग का एक जोड़ा बांध करके इसे घर के किसी कोने में आप रख दें या टांग दें। इससे घर में होने वाली लड़ाई झगड़े जो हैं, उससे आप सदैव के लिए मुक्ति पा लेते हैं। लौंग के इस जोड़े को तिजोरी के पास रखने से घर में पैसों की कमी फिर कभी नहीं आती। तो लौंग के बहुत सारे अलग अलग तरीके से प्रयोग हैं, लेकिन आपको ध्यान ये रखना होगा, पूजा में जब भी आप लौंग का प्रयोग करते हैं, चाहे वो देवी को चढ़ाएं, चाहे जैसे मैंने बताया महादेव को चढ़ाएं, या किसी छोटे से पीले कपड़े में बांध करके कहीं रखने टांगने की बात है या तिजोरी में रखने की बात है, तो लौंग के बारे में हमेशा ध्यान रखिए। जब भी आप लौंग का चयन करें तो उसमें फूल होना चाहिए। बिना फूल के लौंग, उसको खंडित मानते हैं, वो पूजा में ग्राह्य नहीं है, उसको पूजा में स्वीकार नहीं किया जाता। और अगर वो भोग आप देवी देवता को चढ़ाते हैं, देवी दुर्गा को समर्पित करें या महादेव को समर्पित करें, तो उससे देवी देवता जो है वो रुष्ट हो सकते हैं, नाराज हो सकते हैं। तो साबुत लौंग का ही प्रयोग किया जाना चाहिए, इस बात का आपको ध्यान रखना है। यदि किसी व्यक्ति को काम में बार बार असफलता मिलती है या फिर आपका कोई काम पूरा नहीं हो पाता, तो नवरात्रि के दिनों में हनुमान जी की मूर्ति के सामने
देसी घी के तेल, देसी घी का एक दीपक जलाएं या फिर चमेली के तेल का एक दीपक जलाएं। इस दीपक में 2 लौंग आपको डाल करके दीपक निवेदित करना चाहिए। इसके बाद हनुमान जी और दुर्गा जी की पूजा आराधना करते समय हनुमान चालीसा और दुर्गा चालीसा का पाठ आपको कर लेना चाहिए। इस उपाय को करने से आपके रुके हुए सारे काम पूरे होने लगते हैं और आपका अगर कहीं पैसा डूब गया है, रुक गया है, अटक गया है, तो वह पैसा भी वापस आने के रास्ते भगवान की कृपा से, हनुमान जी की कृपा से और देवी दुर्गा की कृपा से रास्ता बनने लग जाता है। अगर किसी की शिकायत है कि घर में पैसा नहीं टिकता या फिर आर्थिक तंगी बहुत ज्यादा है, उससे आप बहुत परेशान हैं, तो माता रानी को गुलाब के फूल और लौंग का जो है उपाय जो मैं आपको बताऊं, ये जरूर करना चाहिए। 2 लौंग साथ में पूजा में आपको समर्पित करना है। एक लाल रंग के कपड़े में 5 लौंग और 5 कौड़ियों को बांध करके तिजोरी में रखने से भी लाभ मिलता है। लौंग से जुड़े हुए इन उपायों से आपको देवी दुर्गा की कृपा बहुत आसानी से मिल जाती है, अगर आप नवरात्रि या गुप्त नवरात्रि में इनका प्रयोग करते हैं तो। तो दोस्तों, आशा करता हूं कि शास्त्र से जुड़ी हुई बातें, ज्ञान की बातें जो आपको हमारे YouTube चैनल से प्राप्त होती हैं, वह निश्चित ही पसंद आती होंगी। आप सभी से बार बार आग्रह है कि जब भी आप मेरे वीडियोस देखते हैं तो इनको लाइक और शेयर जरूर करें, और आपने अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करिए। इसी शुभकामना के साथ कि माता रानी की कृपा आपको सदैव प्राप्त होती रहे, मुझे आज्ञा दीजिए और देखते रहिए मेरा यूट्यूब चैनल एस्ट्रो वास्तु रेमेडीज। नमो नारायण।